ओके देखो, लास्ट टाइम हमने कोलिजन से स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम कोलिजन के अंदर हमने ये हैंड रिटन शीट नंबर 58 ये शुरू की थी, और जिसमें टाइप ऑफ कोलिजन को हमने क्लासिफाई किया था, और हमने डिसाइड किया था कि हम अपने कोलिजन को इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे जिसके अंदर इलास्टिक इन 1D, इन इलास्टिक 1D, परफेक्टली इन इलास्टिक 1D। तो आज का काम यही है, 1D कोलिजन्स को खत्म करना तीनों टाइप्स की। आज ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है यहाँ तक? तो इसके लिए जब मैं इसको कोलिजन्स को मैंने स्टार्ट किया तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन से स्टार्ट किया, जिसमें दो चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्वड है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने एक रेशियो निकाली जिसको बोलते थे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसका फॉर्मूला V2 - V1 / U1 - U2 था। ये याद रखना है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E1 है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जिनमें दो बॉडीज आपस में चिपक जाती हैं, स्टिक हो जाती है आफ्टर कोलिजन, तो 0 है। अदरवाइज इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 0 और 1 के बीच में है। ये हमने किया। फिर हमने क्या किया, ये करने के बाद एक रिजल्ट किया था कि अगर एक ग्राउंड है जिसका रेस्टिट्यूशन हाफ है या कुछ भी है, अगर बॉल 3 मीटर/सेकंड के साथ आती है तो कोलिजन होने के बाद उसकी वेलोसिटी ई टाइम्स हो जाती है, जिनमें इन इलास्टिक कोलिजन है, जैसे हाफ है, हाफ इंटू 3 कितना, 3/2। तो यानी कि जब इन इलास्टिक कोलिजन है तो आपकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है हर टक्कर के बाद ई टाइम्स हो जाएगी। ये हमने किया। फिर हमने दो फॉर्मूला ड्राइव किए थे। ये दो फॉर्मूलाज थे जो सिर्फ और सिर्फ कहां पर वैलिड थे, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में V1 V2 की वैल्यूज हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? इन इलास्टिक कोलिजन में ये फॉर्मूलाज वैलिड नहीं है, कोई डाउट? ठीक। सो इसके अंदर, इसके बाद हमने ये शीट को पूरी तरह खत्म किया था, ठीक, ये सारा खत्म हो गया था। नेक्स्ट आप ओपन करो शीट नंबर 62, आपके जो असाइनमेंट्स हैं उसके बिल्कुल एंड में ये शीट है 62, और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं जिनके पास कोई शीट नहीं है वो प्लीज शीट नंबर 62 का प्रिंट आउट लें, ठीक। आपको कोलिजन्स की असाइनमेंट मिली है, बिल्कुल एंड में होगी, नहीं है 62 नंबर। देखो इसका इसका नंबरिंग डालो 62 प्लीज, इसके ऊपर लिखो 62, शीट की नंबरिंग डाल लेना 62, ठीक। ओके देखो, ये पूरी की पूरी शीट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की है, जिसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं है और जिसमें V1 V2 के बड़े बड़े फॉर्मूलास वैलिड है। पहला क्वेश्चन है, टू बॉडीज जिसका मास कितना है 5 kg and 3 kg, तो एक M1 और एक M2, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सेम स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 and 3, तो क्या गिवन है, U1 and U2। 1D कोलिजन है इलास्टिक, क्या निकालना है, फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, तो क्या निकालना है, V1 and V2। तो आपने क्या करना है, आपको M1 पता है, M2 पता है, U1 पता है, U2 पता है, V1 का फॉर्मूला लिखें, V2 का फॉर्मूला लिखें, M1 M2 पुट करें, U1 की जगह U1, U2 की जगह U2, एंड फाइंड वेलोसिटी V1 and V2। जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर आएगा, ठीक। जैसे इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, M1 M2 U1 U2, और वैल्यू पुट करना है, आंसर। क्या स्टेप क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपने 61 और 62 मार्क करो, 61, 62, 63, 63 के बाद 64, ये क्वेश्चन आपने ट्राई करने खुद से, और एंड आंसर भी अपने हाथ से निकालना है। शुरू हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 61 स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 61, वेलोसिटीज के फॉर्मूलास याद करो और लिखो, और फिर वैल्यूज पुट करो, सॉल्यूशन को नहीं देखो, खुद ट्राई करो और V1 V2 की वैल्यूज को निकाल लो प्लीज।
ओके, क्वेश्चन नंबर 61 में कितने लोगों को डाउट है? हो गया, हाथ से सॉल्व किया, आया आंसर सेम। तो इसमें दो बॉल्स है M1 M2, वेलोसिटीज गिवन है U1 और U2 माइनस, क्यों? क्योंकि बोथ आर अप्रोचिंग कैसे ईच अदर, अप्रोच का मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो U1 भी पॉजिटिव, U2 भी पॉजिटिव। अगर एक इधर है और एक इधर है तो U1 पॉजिटिव, U2 नेगेटिव। तो पुट करेंगे इसमें, V1 में M1 M2 पता है, U1 पॉजिटिव U2 नेगेटिव, तो वेलोसिटीज की V1 V2 की वैल्यूज आएंगी। क्लियर यहां तक? फिर क्वेश्चन नंबर 62, कितने लोगों ने इसे कर लिया और आंसर आ रहा है? कोई डाउट इसमें अभी? तो डाउट है इसमें, वैसे था क्या इसमें? दो बॉल बेयरिंग्स हैं एंड एम ईच अदर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर से इसमें भी क्या है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड्स वी एंड वी कोलाइड हेड ऑन, प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ द कोलिजन एज्यूमिंग इट इज परफेक्टली इलास्टिक। पहले मुझे ये बताओ कि क्या इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं। शॉर्टकट लगेगा कौन सा? अगर इलास्टिक कोलिजन में मासेस दोनों बॉल्स के सेम हैं तो वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। तो ये वाली वेलोसिटी v इसको मिल जाएगी, ये वाली वेलोसिटी v इसको मिल जाएगी, तो वेलोसिटीज ऑटोमेटिकली इंटरचेंज हो जाएंगी। यानी कि अगर आपके पास इसकी वेलोसिटी v है और कोलिजन से पहले ये v है, तो फिर यानी कि u1 की वैल्यू v है और u2 की वैल्यू v है, तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? ये v हो जाएगा और ये v हो जाएगा, यानी कि v1 इज इक्वल टू v और v2 इज इक्वल टू v। अब इसको माइनस v लिखेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, लेफ्ट की तरफ माइनस में, राइट की वेलोसिटी पॉजिटिव में। तो मैं इसको सीधा ही सॉल्व कर सकता हूं। अगर कोई पूछे इसका आंसर क्या है तो मैं अपना आंसर दूंगा। अगर NCERT में प्रूफ करने को आ जाए, फिर एक काम करें, वेलोसिटी v1 का फॉर्मूला लिखें, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m करें, जो मैंने लास्ट टाइम शीट में करके दिया था और मैंने भी मैथमेटिकली करके दिया कि जब मासेस को इक्वल करेंगे तो ऑटोमेटिकली v1 किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस v के इक्वल आ जाएगा, और v2 किसके इक्वल आ जाएगा? v के इक्वल आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, कितने लोगों ने ट्राई किया और समझ में आ गया कौन सी कोलिजन है? इनइलास्टिक की परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक क्यों? जब भी दो बॉडीज आफ्टर कोलिजन सेपरेट नहीं होती, कंबाइंड हो जाती हैं एज अ कॉमन मास, तो फिर उनको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। कोई डाउट इसमें? तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है? अ रेलवे कैरेज जिसका मास गिवन है 9000 kg m1 मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर कोलाइड विद अ स्टेशनरी कैरेज, एक और कैरेज है रेस्ट पे है, एंड सेम मास। तो अगर मास सेम है, करने की जरूरत क्या है? वेलोसिटीज आपस में क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज। बिल्कुल गलत, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी ऑफ कोलिजन है जब दो बॉडीज चिपक जाती हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक। और वेलोसिटीज एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट कब लगता है? परफेक्टली इलास्टिक। तो नहीं लगेगा शॉर्टकट। क्लियर यहां तक? तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है? m1 पता है, u1 पता है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, m2 पता है और वो रेस्ट पे है, तो u2 क्या है? जीरो। एंड v1 v2 आपको निकालना है, दैट इज कॉमन वेलोसिटी v निकालनी है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में? एक ही तरीका है, जब वो स्टिक होके इकट्ठे चलते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो टक्कर से पहले पहले ब्लॉक का मोमेंटम m1 u1, सेकेंड का m2 u2, u2 तो रादर रेस्ट पे ही है तो जीरो हो जाएगा। कंबाइंड मास का मतलब m1 प्लस m2 एंड मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी v, तो v कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहां तक? तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएंगी, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, एक आंसर आ गया। फिर वो ये कह रहा है कि आपको बताओ ये कौन से टाइप का कोलिजन है। तो कौन से टाइप का कोलिजन है, थोड़ा लंबा कर गया ये, मेरे को लगता है ये करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर मेरे को अगर आएगा तो मैं इसको ऐसे करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर दोनों बॉडीज स्टिक करके इकट्ठी चलेंगी कॉमन वेलोसिटी के साथ, तो मैं इसको ये करूंगा, v2 माइनस v1 u1 माइनस u2 को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्योंकि दोनों की वेलोसिटी v1 और v2 एग्जैक्टली क्या आ रही है? सेम। तो e क्या जाएगा? जीरो। दिस इज नोन एज परफेक्टली इन इलास्टिक
कोलिजन, क्योंकि ई जीरो का मतलब कि दोनों में कोई सेपरेशन नहीं है, और ऐसी कोलिजन का नाम क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। कोई डाउट इसमें, स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक, तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्लियर है ठीक। हालांकि इसने कैसे किया ये भी सुन लो, ये क्या कर रहा है कि मान लो M1 was moving with V1 या U1, let us suppose M2 was lying at rest, after collision V1, after collision दोनों इकट्ठे चल पड़ते हैं M1 plus M2 with a common velocity V, आपको इस क्वेश्चन में U1 पता है और V हमने निकाल लिया, वो क्या करता है कि वो कोलिजन से पहले टोटल एनर्जी निकाल लेता है, कैसे, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर और सेकेंड ब्लॉक इज लाइंग एट रेस्ट, कोलिजन के बाद हाफ इनटू एम वन प्लस एम टू इनटू वी का स्क्वायर, टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं आफ्टर कोलिजन। फिर वो प्रूव करता है वैल्यूज पुट करके कि देखो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन ज्यादा थी, आफ्टर कोलिजन लेस है, इसका मतलब ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है, ये इन इलास्टिक कोलिजन है, और क्योंकि दोनों की सेपरेशन भी नहीं हो रही टक्कर के बाद, तो ये पक्का परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। पर मेरे को लगता है ज्यादा बेटर है, एक लाइन में आ गया, इजी हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया। बोलो, इन इलास्टिक की स्पेशल केस है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक तो होती है ना, इन इलास्टिक का मतलब होता है एनर्जी लॉस है, वो परफेक्टली इन इलास्टिक, तो हमने कैटेगरी बना रखी है, अदरवाइज दो ही कोलिजन होती है, इलास्टिक या इन इलास्टिक, होती दो ही है सिर्फ। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो ये क्वेश्चन कितने लोगों ने ट्राई किया या अभी कर रहे हैं? कर रहे हैं, ओके, टेक योर टाइम, सोचो। जेई मेंस का पैटर्न चेंज हो गया, शायद सबको पता लग चुका है, जेई मेंस का पैटर्न आपके बारे में, आपके बारे में मुझे पता नहीं, इस बार तो पक्का चेंज हुआ है, और चेंज किया हुआ है 30 की जगह एक तो 25 क्वेश्चन कर दिए, चलो ये तो चलो ठीक ही हो गया, और उसमें से भी जो आखिरी 5 क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव मार्किंग हटा दी, चलो और स्ट्रेस कम हो गया, तो 5 क्वेश्चन तो हर कोई अटेम्प्ट करेगा, पर उस 5 क्वेश्चन के अंदर मॉडिफिकेशन कर दी, उसको इंटीजर टाइप बना दिया, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ये होता है एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, अंदाजे से भी आंसर निकलते हैं, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, तो ये उसमें क्या है, उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिखेगा ए बी सी डी, उसमें इंटीजर आंसर आएगा, आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना ही पड़ेगा, या तो आंसर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, 9 तक चलेगा, 9 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ही मार्क करना है, यानी कि आप कोई उसमें तुक्का नहीं मार सकते, आपको सॉल्व करके न्यूमेरिकल आंसर मार्क ही करना पड़ेगा, नहीं आया तो नहीं आया, ये नहीं कह सकते ये लग रहा है या वो लग रहा है, कुछ नहीं, बस या ये है या नहीं है, इट्स लाइक सब्जेक्टिव ओनली। 5, बाकी 20 नॉर्मल है, पेपर 360 की जगह 300 नंबर का कर दिया, कैसा लेवल आएगा वो तो जनवरी में पता लग ही जाएगा, अभी जनवरी में तो बहुत दूर की बात है, अभी सितंबर 15 के बाद ही पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने अपना टेस्ट तैयार भी कर दिया आज सुबह, वर्क एनर्जी पार मेंस वालों के लिए ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा 15 सितंबर तक, चैप्टर का नाम वर्क एनर्जी पार और सर्कुलर मोशन, पहले सर्कुलर मोशन का ऑब्जेक्टिव बनाया है, उससे पहले 2 ट्रायल टेस्ट बनाए हैं, ताकि आप एक बार बिना स्ट्रेस के जरा ट्रायल करके देख लेना ऑनलाइन टेस्ट, और फिर उसके बाद फिर सर्कुलर ट्राई करना, जिसमें अगेन 20 क्वेश्चन नॉर्मल है, बाकी 5 इंटीजर टाइप ही मिलेंगे। फिर मैंने वर्क पर एनर्जी के कुछ टेस्ट बनाए हैं, 2 टेस्ट नॉर्मल ट्रायल के लिए आप टेस्ट करना, उसके बाद फिर 30-25 क्वेश्चन का टेस्ट आएगा, 20 क्वेश्चन जैसे मेंस में आएंगे और 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप होगा, तो यही फॉर्मेट चलेगा आज के बाद, अब हमारा जितने भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे 30-30 क्वेश्चन का नहीं होगा, अब वो 25 क्वेश्चन में कन्वर्ट करने वाले हैं हम, राइट, तो अब जो फॉर्मेट है उसी में कन्वर्ट कर, मेडिकल में कोई चेंज नहीं है, मेडिकल में वही 45 क्वेश्चन है और वही एनसीईआरटी लेवल है, आपको ज़रूरत है तो सिर्फ रिटेंशन की, याद कैसे करना है कोर्स, और स्पीड की, फटाफट कैसे करना है, बस आपको कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं करना, नॉर्मल क्वेश्चन तेजी से करने हैं, बस नॉर्मल क्वेश्चन और तेज करने हैं, दो चीजें, तेज भी करने हैं ठीक, नहीं तो पेपर पूरा नहीं होगा, ओके, करो ट्राई 64th क्वेश्चन प्लीज।